राजू और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। बहुत मेहनत के बाद ही वे अपना गुजारा कर पाते थे। राजू मिट्टी के बर्तन बनाता और उसकी पत्नी उन पर रंग लगाती। सुनो जी, अब ये सब काम छोड़ो और खाना खा लो। इतने दिन बीत गए, एक भी बर्तन नहीं बिका। ना तो अब हमारे पास पैसे बचे हैं और ना खाना। आकर खाना खा लो, नहीं तो ये भी ठंडा हो जाएगा। आता हूँ, क्यों परेशान हो रही हो, सब ठीक हो जाएगा। तभी उनके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। कोई है, भिक्षा दे दो बेटी, कई दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया। जरूर। राजू की पत्नी ने अपनी थाली दरवाजे पर खड़ी बुढ़िया को दे दी। ये लीजिए माँ, भोजन कीजिए। बुढ़िया बहुत खुश हुई और भोजन करने लगी। बेटी मांगो, क्या चाहती हो, तुमने एक भूखे का पेट भरा है। तुरंत बुढ़िया देवी में बदल गई। मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, तुम जो चाहोगी वही होगा बेटी। सच देवी माँ, धन्यवाद। मैं अपने पति के साथ सोच समझकर वरदान मांगूंगी माँ। अरे आओ मालती, कहाँ रह गई, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो गया है। अभी आई। बुढ़िया के जाते ही मालती दौड़ती हुई अपने पति के पास आई। बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है। देवी माँ ने हमें 3 वरदान दिए हैं, अब हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। जानते हो, वो बुढ़िया नहीं, स्वयं साक्षात देवी माँ थी। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो खाना खा लेते हैं। दोनों खाना खाने बैठते हैं। कितने दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया, काश हमारे पास कुछ स्वादिष्ट खाने को होता। तभी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान उनके सामने आ जाते हैं। अरे यह क्या हुआ, तुम्हारी बात तो सच साबित हो गई। ओहो, ये क्या किया मैंने, एक वरदान बर्बाद कर दिया। चलो छोड़ो, खाना खा लेते हैं। यह क्या, कोई मिठाई नहीं, बिना मिठाई खाए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी सभी थालियां मिठाइयों से भर जाती हैं। यह क्या, इतनी मिठाइयां किस काम की, इन्हें तो हम एक दिन में नहीं खा सकते। तुम ठीक कहते हो, इन्हें संभाल ले तो कई दिन तक खा सकते हैं, है ना। ऐसा कहते ही सारी मिठाइयां एक बड़े कनस्तर में बंद हो गई और देखते ही देखते 3 वरदान खत्म हो गए। अरे यह क्या मालती, हमने 3 वरदान खत्म कर दिए। हाँ जी, बातों बातों में 3 वरदान चले गए और हमें पता ही नहीं चला। हीरे की मिर्ची। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा और नेक दिल था। वो पास ही के शहर में एक होटल में वेटर का काम किया करता था। उससे किसी गरीब का दुख नहीं देखा जाता था, जबकि उसके पास भी बहुत कम ही पैसे थे। लेकिन फिर भी वो अगर किसी को भूखा देखता तो अपने पास से खाना खिला दिया करता था। उसकी इस आदत से होटल के मालिक बहुत परेशान थे। अबे रामू, तू क्या करता है बे, इतना कमाता नहीं है, उतने का तो गरीबों को खाना खिला देता है। देख भाई, मैं तो तुझे मुफ्त में खाना खिलाने वाला नहीं हूँ। अरे सेठ जी, क्या फर्क पड़ता है, 100 रुपए कमाता हूँ तो 10 रुपए इन गरीबों को खिला देता हूँ, और मैं भला कौन सा आपसे मुफ्त में लेता हूँ, मेरी तनख्वाह से पैसे काट लीजिए। अरे ठीक है भैया, जैसी तेरी मर्जी। होटल के मालिक और बाकी दोस्तों के समझाने के बावजूद भी रामू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ऐसे ही अपनी सेवा करता रहा। एक दिन गर्मियों की दोपहर को बहुत कम काम होने के कारण वो होटल के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। तभी अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग गरीब इंसान लड़खड़ाता हुआ उसके होटल की तरफ आ रहा था। वो दिखने में ही बहुत बदहाल, बेहाल और भूखा लग रहा था। उसने रामू को देखकर रामू से कहा, बेटा कई दिनों से बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को और पीने को पानी मिल सकता है। हाँ बाबा, आइए आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाने को लेकर आता हूँ।
रामू ने उसको दरवाजे के पास बिठा दिया और होटल के अंदर से जाकर अपनी आदत अनुसार उसके लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आया और पीने के लिए ठंडा पानी भी लेकर आया। उस बुजुर्ग इंसान ने खाना और पानी पीने के बाद रामू का धन्यवाद किया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब जाके जान में जान आई है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। मेरे पास ये कुछ मिर्ची के बीज हैं, अगर तुम्हारे पास खेती लायक जगह है तो इन्हें वहाँ लगा देना, तुम्हारा भला होगा। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रामू को वो मिर्ची के बीज देकर बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। संडे को छुट्टी वाले दिन रामू अपने गांव जाकर वो सारे मिर्ची के बीज अपने खेत में लगा देता है और अगले दिन जब वो उठता है तो अपनी खिड़की से अपने खेत में देखकर हैरान हो जाता है। उसका पूरा खेत मिर्ची के पौधों से भर गया था, लेकिन उनमें हरी नहीं हीरे की तरह चमकने वाली मिर्चियां लगी थी। रामू भागकर अपने खेत में जाता है और वो एक मिर्ची तोड़कर उसका स्वाद चखता है। उस मिर्ची का स्वाद बहुत ही तीखा और अच्छा था। हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है, हीरे जैसी मिर्चियां। रामू सारी मिर्चियां तोड़कर शहर ले आता है। वो मिर्चियां देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसकी हीरे की मिर्चियां बड़े ही अच्छे दाम पर बिक जाती हैं। अगले दिन रामू फिर देखता है कि उसका खेत फिर से हीरे जैसी मिर्चियों से भर चुका था। उसकी मिर्चियों की पूरे शहर में चर्चा होने लगी और बाहर के शहरों से भी व्यापारी उससे मिर्चियां खरीदने आने लगे और अब हीरे जैसी मिर्चियां रामू के लिए वाकई ही हीरा साबित हुई और धीरे धीरे रामू की इतनी कमाई हुई कि रामू ने होटल खोल लिया और वहां पर बड़ी ही ईमानदारी से लोगों को साफ सुथरा खाना खिलाने लगा। लेकिन उसने गरीबों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। इसीलिए कहते हैं, नेक दिली से कोई भी काम करो तो भगवान उसका फल जरूर देते हैं। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे रिक्शा चलाने का काम किया करता था। वो बहुत ही ईमानदार था। उसकी बीवी कमला गांव में लोगों के घरों में काम करके अपने पति का हाथ बटाया करती थी और उसके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। श्याम का छोटा सा परिवार अपने कम साधनों में बड़े सुखी से रहा करता था। एक साल गर्मियों के मौसम में जब श्याम घर वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला, आज मैं बहुत थक गया हूँ, बाहर बहुत गर्मी है। उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उससे कहा, हाँ पापा, बहुत गर्मी है, आप घर में एसी क्यों नहीं लगवा देते, हमारे स्कूल में एसी लगा है, बहुत ठंडी हवा आती है। उसकी बात सुनकर उसकी बड़ी बहन ने उससे कहा, अरे संजू, पता है एसी कितना महंगा आता है, और तुझे पता तो है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। चल, मैं तुझे पंखा कर देती हूँ, तू सो जा चुपचाप। और ऐसा कहकर श्याम की बेटी अपने भाई को पास पड़े अखबार से हवा करने लगती है और वो सभी सो जाते हैं। लेकिन श्याम के मन में अपने बच्चों की बात घर कर जाती है और वो सोचता है कि अपने सेठ जी से एक एसी मांग लेगा। अगले दिन जैसे ही श्याम अपनी दुकान पर पहुंचता है तो उसका सेठ उससे कहता है, अरे भाई श्याम, ये 4 एसी जरा राधानगर में देकर आ जाओ, और हाँ, जल्दी देकर वापस आना। जी सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। भाई बात बाद में, तुम पहले एसी देकर आओ, ठीक है। श्याम एसी लेकर राधानगर के लिए निकल पड़ता है और वहां पर लोगों के एसी देकर जब वो वापस आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि एक आदमी दुकान लूट रहा था। तभी श्याम को छोटे दरवाजे के पास पड़ा एक डंडा दिखाई देता है और वो हिम्मत करके उस डंडे से उस लुटेरे पे वार कर देता है। अचानक हमला होने के कारण वो लुटेरा संभल नहीं पाता और वो वहीं गिर जाता है। लुटेरे को गिरता देखकर बाकी स्टाफ और सेठ जी लुटेरे को पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सभी लोग श्याम की बहुत तारीफ करते हैं। सेठ जी श्याम से कहते हैं, अरे भाई श्याम, तुमने तो आज हमें लूटने से बचा लिया। ओ अच्छा, तुम कुछ कहना चाहते थे। वो सेठ जी, मैं तो बस आपसे एक एसी किश्तों पर मांगने के लिए कह रहा था। श्याम की बात सुनकर सेठ जी ने उसे एसी देते हुए कहा, अरे भाई, ये मेरी तरफ से तुम उपहार रखो, तुमने तो आज पूरी दुकान को लूटने से बचाया है, भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। और श्याम सेठ जी का धन्यवाद करता है और एसी लेकर खुशी खुशी घर वापस आता है और घर आकर एसी को लगा देता है।
ये देखकर उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। हुर्रे, हमारे घर एसी आ गया। और वो लोग रात को चैन की नींद सोते हैं, वो भी एसी की ठंडी ठंडी हवा में। जादुई जेल रेस्टोरेंट। एक गांव में भोला नाम का एक रसोईया रहता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बनाया करता था। आसपास के सभी गांवों और शहर से लोग उसे अपने शादी ब्याह में खाना बनाने के लिए बुलाया करते थे। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। एक दिन जब भोला खाना बनाकर रात को अपने घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया और उसे लूटने लगे। लेकिन भोला ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया, तो उन लुटेरों ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। भोला की सेहत काफी अच्छी थी, उन लुटेरों की भोला के आगे एक ना चली और भोला ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। लेकिन तभी एक लुटेरे ने चाकू निकाल लिया और वो जैसे ही भोला को चाकू मारने लगा, दूसरा लुटेरा उसके बीच आ गया और वो चाकू उस लुटेरे को लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये देखकर सभी लुटेरे वहाँ से भाग खड़े हुए। भोला ने उसे बचाने के लिए जैसे ही चाकू बाहर निकालना चाहा, तभी वहाँ पुलिस आ गई और उन्होंने भोला को खून के इल्जाम में पकड़ लिया। अगले दिन भोला को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो भोला ने अपनी बेगुनाही में कहा, जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो अपना बचाव कर रहा था और ये चाकू तो इसके लुटेरे साथियों ने ही इसे मारा था। लेकिन सभी सबूत भोला के खिलाफ जा रहे थे और जज ने उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे खुली जेल में रखने की सजा दे दी। भोला जब खुली जेल में गया, तो उसने देखा कि वहाँ पर तो सभी कैदी अपना अपना काम कर रहे थे और वहाँ सभी कैदी सुबह जेल से बाहर काम करने जाते और शाम को वापिस आ जाया करते थे। ये देखकर भोला ने जेलर से कहा, जेलर साहब, मैं बहुत अच्छी मिठाइयाँ और खाना बना लेता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जेल के बाहर अपनी छोटी सी दुकान खोल लूँ। हाँ हाँ भोला, जरूर। जेल प्रशासन की मदद से भोला जेल के बाहर एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बेचने लगता है। जेल हाईवे पे होने के कारण उसका रेस्टोरेंट काफ़ी चलने लगता है और उसकी और जेल की काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है। ये देखकर जेलर उसकी मदद के लिए और कैदियों को भी उसके साथ काम पर लगा देते हैं और धीरे धीरे भोला का छोटा सा जेल रेस्टोरेंट एक बहुत बड़े होटल में तब्दील हो जाता है और जो भी वहाँ से निकलता है वो कुछ भी खाए बिना नहीं रुक सकता। सभी लोग भोला के जेल रेस्टोरेंट की काफ़ी तारीफ करते हैं। भाई वाह, यहाँ से निकलते हुए इस जादुई जेल रेस्टोरेंट का खाना खाए बिना जाने का मन नहीं करता। और वो रेस्टोरेंट भोला और जेल के लिए काफ़ी जादुई रेस्टोरेंट साबित होता है, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और जो कि भले कामों में लगाई जाती है। जादुई मिट्टी के चूल्हे का चिकन। अमर सिंह गांव में अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो शहर में एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम किया करता था। अमर सिंह को वहाँ पे अच्छी तनख्वाह मिला करती थी, जिससे उसका और उसकी माँ का गुजारा अच्छे से चल रहा था। क्योंकि वो शादी के लायक हो चला था, तो उसकी माँ ने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। उसकी बीवी कमला भी काफ़ी समझदार और सुलझी हुई औरत थी। उसने आते ही अमर सिंह का और उसकी माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि अमर सिंह रोज सुबह घर से बाहर इतनी दूर शहर पे काम करने जाता है और शाम को थका हारा वापस आता है। वो चाहती थी कि अमर सिंह गांव के ही नज़दीक कोई काम करे, क्योंकि वो माँ को गांव में अकेला छोड़कर शहर नहीं जाना चाहती थी। एक दिन उसने अमर सिंह से कहा, देखो जी, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो ये शहर की नौकरी छोड़ दीजिए। हमारी जो हाईवे पर जमीन है, वहीं पर कुछ काम काज शुरू कर सकते हैं। घर के घर में रहेंगे और काम भी बढ़ जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं गांव के नज़दीक कोई अपना काम खोलूं। कब तक ऐसे नौकरी करता रहूँगा। अमर सिंह शहर में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है और वहाँ से जो पैसा मिलता है उससे अपनी हाईवे वाले जमीन पर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है, जिसमें वो खाने पीने का सामान बेचने लगता है। वो वहाँ पर नॉन वेज और वेज खाना बनाकर बेचने लगता है। लेकिन अमर सिंह का काम नहीं चल पाता है, क्योंकि आसपास पहले से ही काफ़ी सारे ढाबे और रेस्टोरेंट खुले हुए थे। ये देखकर अमर सिंह बहुत चिंतित हो जाता है। एक दिन जब रात को अमर सिंह उसकी बीवी और उसकी माँ बैठकर खाना खा रहे थे, तो उसे चिंता में डूबे देखकर उसकी माँ ने पूछा,
अरे क्या हुआ बेटा, इतनी चिंता में क्यों डूबे हो? क्या करूं माँ, इतना पैसा लगाया है फिर भी काम नहीं चल रहा, और अब तो नौकरी भी नहीं है। अरे मेरी बात मान और चिकन बना कर दे, लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ तू तो इतना अच्छा चिकन बनाता है, चूल्हे का चिकन खिलाएगा तो सबको पसंद आएगा। हाँ माँ, बात तो तुमने पते की कही है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अगले ही दिन अमर सिंह अपने ढाबे में कुछ तब्दीलियाँ करने लगता है। अब उसने अपने ढाबे को बिल्कुल ही देसी स्टाइल में बना दिया था। वो चूल्हे पर खाना बनाता और लोगों को चारपाई और नीचे बैठकर खाना खिलाया करता था। अब उसके ढाबे से निकली हुई मंद मंद खाने की खुशबू से लोग अपने आप ही खींचे चले आते थे। खासकर उसके हाथ के बनाया मिट्टी के चूल्हे का चिकन तो सभी को अच्छा लगता था। भाई वाह, मजा आ गया मिट्टी के चूल्हे का चिकन खाकर, गैस पे बने हुए चिकन में वो स्वाद कहाँ। और मिट्टी के चूल्हे पे बने चिकन की वजह से अमर सिंह का काम काफी अच्छा चल निकला था, उसकी काफी अच्छी कमाई होने लगी थी। और अमर सिंह अपनी माँ और बीवी कमला के साथ गांव में खुशी खुशी रहने लगा था। बैम्बू मनी और जादुई कुल्हाड़ी। एक गांव में मल्लू नाम का एक आदमी रहता था। वो सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां काटने निकल जाता और शाम को जितनी भी लकड़ियां इकट्ठे करता उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उसके पास संपत्ति के नाम पर 4 बकरियां और एक कुल्हाड़ी थी। वो रोज अपनी बकरियों को अपने साथ जंगल में चरने के लिए ले जाया करता था और अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता और बकरियों के खाने के लिए हरी हरी पत्तियां भी काटा करता था। वो अपने काम से बहुत खुश था। एक दिन जब वो सुबह सुबह मुस्कुराते हुए जंगल की ओर जा रहा था तभी एक आदमी ने उससे पूछा, अरे भाई मल्लू क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो अपनी बकरी और कुल्हाड़ी लेकर? अरे सेठ जी अपना क्या है, अपनी तो बस 4 बकरियां और ये जादुई कुल्हाड़ी, जब तक मेरे पास है तब तक बस खुशी ही खुशी है समझो। अच्छा भाई ठीक है तुम्हारी तुम जानो। मल्लू उस आदमी को ये जवाब देकर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल के बीचों बीच पहुँचने के बाद वो अपनी बकरियों से कहता है, अरे चलो आज चरने नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ बहुत लकड़ियाँ भी हैं। और मल्लू अपनी बकरियों को लेकर नदी के उस पार चला जाता है और वहाँ पर वो अपनी कुल्हाड़ी से ये कहते हुए लकड़ियाँ काटने का काम शुरू करता है। चल भाई मेरी जादुई कुल्हाड़ी शुरू हो जा। लेकिन मल्लू जैसे ही लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है वो उसके हाथ से फिसल कर एक बांस के झुरमुट में जा फंसती है। और जब वो बांस के पास कुल्हाड़ी उठाने जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बांस का झुरमुट नीचे से उखाड़ा गया था। हैं ये क्या, बांस का झुरमुट जमीन से उखाड़ा गया है और यहीं छोड़ दिया है? भैया इस जंगल में मेरे अलावा और कौन लकड़हारा आ गया? चलो मेरा काम आसान हो गया, इसी को काटता हूँ। अभी वो कुछ सोच ही रहा था तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। एक झाड़ी के पास छुपकर देखने लगता है तभी वहाँ पर 4 चोर आते हैं और वो बांस के झुरमुट के पास से हटाकर अपना सारा खजाना चेक करते हैं। उनमें से एक कहता है, सरदार सब सही है, सारा खजाना यही है। हाँ हाँ ठीक है, कल इसे निकाल कर बेच देंगे। ऐसा कहकर वो चारों चोर वहाँ से चले जाते हैं। मल्लू के मन में पहले तो बेईमानी आती है लेकिन क्योंकि वो ईमानदार था वो फटाफट शहर जाकर पुलिस को सूचित करता है और पुलिस वहां आकर घेरा डाल लेती है। अगले दिन जैसे ही चोर खजाना लेने आते हैं तो पुलिस चारों चोरों को खजाने समेत पकड़ लेती है और मल्लू को ढेर सारा इनाम मिलता है। इतना सारा पैसा देखकर मल्लू खुश हो जाता है और इस तरह बैम्बू मनी पकड़वाए जाने के कारण इनाम पाने की वजह से वो अपनी जादुई कुल्हाड़ी का धन्यवाद करता है। अरे वाह मेरी कुल्हाड़ी, तू तो वाकई ही जादुई निकली, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। पहिया बैल ट्रैक्टर। चंद्रपुर गांव में हरीश नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो अपने ट्रैक्टर से गांव के सभी किसानों के खेतों में खेती करने और उनकी फसलों को शहर तक पहुंचाने का काम किया करता था। उसके काम के सभी किसान काफ़ी खुश थे क्योंकि वो समय पर उनके खेतों में खेती कर देता था और समय पर उनकी फसलें शहर में पहुंचा दिया करता था।
हरीश का बेटा मनीष शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन एक किसान ने हरीश से कहा, अरे हरीश भैया, इस बार ना मेरी फसल पहाड़ के उस पार वाले शहर में ले जाकर बेचनी है, काम हो जाएगा ना? हाँ हाँ रामू, हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस फसल काटने की तैयारी करो। हाँ 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 हरीश, हमें पूरा यकीन है, बस दो दिन बाद तुम अपना ट्रैक्टर तैयार रखना भाई मेरे लिए। हाँ हाँ रामू, ठीक है, मैं चलता हूँ, दो दिन बाद मिलते हैं। हरीश ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और घर जाते हुए जब वो पहाड़ के रास्ते को देखता है तो सोच में पड़ जाता है। अरे मैंने वादा तो कर दिया है, लेकिन पहाड़ी पर मैं ट्रैक्टर चढ़ाऊंगा कैसे, वो भी फसलों से भरा हुआ ट्रैक्टर। यहाँ तो काफ़ी ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलो घर जाकर सोचता हूँ। हरीश जब घर पहुँचता है तो अपने बेटों को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मनीष, तुम क्या बात है भाई, अचानक कैसे? पापा पापा, वो असल में शहर में ना चुनाव है, तो इसलिए हमें दो दिन की छुट्टी मिली हुई है। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रात को खाना खाने के बाद जब मनीष अपने पिता से मिलने जाता है तो उन्हें चिंता में डूबे हुए देखकर उनसे पूछता है, पापा पापा क्या बात है, आप चिंता में लग रहे हो। हाँ बेटा, क्या बताऊँ, अब तुम तो मैकेनिकल इंजीनियर हो, अब मैंने एक काम लिया है पहाड़ी पार करके शहर ले जाकर फसल बेचने का, लेकिन तुम तो जानते हो पहाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ेगा कैसे, बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। बस पापा, इतनी सी बात, बस मुझे आप एक दिन का समय दीजिए और कल ट्रैक्टर दे दीजिए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन मनीष अपने पापा के ट्रैक्टर को शहर में अपने दोस्त की वर्कशॉप में ले जाता है और वहाँ पर ट्रैक्टर के टायर निकाल कर उनमें चेन वाली बेल्ट लगा देता है और ट्रैक्टर को शहर से गांव वापस लेकर आता है और अपने पापा को पहाड़ी वाले रास्ते पर बुला लेता है। हरीश ट्रैक्टर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि टायरों की जगह ट्रैक्टर पर बेल्ट लगी हुई थी और बेल्ट लगे होने के कारण ट्रैक्टर पहाड़ी पर बड़े आराम से चढ़ रहा था। हरीश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो अगले दिन रामू किसान के पास अपना ट्रैक्टर लेकर पहुँच जाता है। रामू ट्रैक्टर में बेल्ट लगी हुई देखकर हैरान हो जाता है। अरे हरीश भैया, ये ट्रैक्टर के टायर कहाँ गए और ये बेल्ट? अब भाई रामू, तुम्हारी फसल पहाड़ी पार करके शहर जो ले जानी है तो मेरे बेटे ने ये इंतजाम किया है, चलो तुम अपनी फसल लाद दो। और रामू अपनी सारी फसल ट्रैक्टर में लाद देता है और हरीश बड़े आराम से पहाड़ी पार करके रामू की फसल दूसरे शहर में पहुँचा देता है। ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और अब बाकी किसान भी पहाड़ी पार वाले शहर में फसलें पहुंचाने लगते हैं, जिससे उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होती है और साथ ही साथ हरीश की भी, क्योंकि अब उसका ट्रैक्टर बेल्ट पहिए लगे होने के कारण कैसे भी रास्ते पार कर सकता था। विजय कुमार लोहागढ़ गांव में रहा करता था। लोहागढ़ के सभी लोग लोहे के बर्तन बनाया करते थे और उन्हें आसपास के शहरों में बेच आया करते थे। वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की माली हालत बहुत ही ख़राब थी। वे लोग बहुत गरीब थे, उनके पास ज़मीन होते हुए भी कोई फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि लोहागढ़ में पानी की बहुत ही कमी थी। उन लोगों को काफ़ी दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था, खेती के लिए तो बिल्कुल भी पानी नहीं होता था। एक दिन विजय कुमार जब काम के लिए निकलने लगा तो उसकी बीवी ने उसे खाना और पानी देते हुए कहा, ये लीजिए, आपके लिए रोटी भी बांधती है और ये थोड़ा पानी था घर में, सारा आप ही को दे रही हूँ, रास्ते में प्यास लगे तो ज़रूर पी लेना और बच जाए ना तो घर ले आना, क्योंकि अब और पानी तो बचा नहीं। ठीक है भाग्यवान, पानी बचेगा तो घर ही वापस लाऊंगा, बस भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी कुछ कमाई हो जाए आज। ऐसा कहकर विजय कुमार लोहे के बर्तन बेचने शहर शहर घूमने लगता है। अब बर्तन ले लो, लोहे के बर्तन ले लो, अच्छे अच्छे बर्तन ले लो, तवा है, कढ़ाई है, और भी बर्तन है, चिमटा है। दोपहर होने तक काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी थी। अब विजय कुमार थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वो जैसे ही खाना खाने लगता है तभी वहाँ एक बुढ़िया आकर उससे कहती है, अरे बेटा,
बहुतों से मांगा पर इस प्यासी बुढ़िया को किसी ने पानी नहीं पिलाया। अगर हो सके तो दो घूंट पानी पिला दे बच्चे। बुढ़िया की हालत देखकर विजय कुमार ने उसे पानी देते हुए कहा, ये लीजिए माताजी, मेरे पास भी बस थोड़ा सा ही पानी बचा है, चलिए आप पी लीजिए। उस बुढ़िया ने देखते ही देखते सारा पानी पी लिया। पानी पीने के बाद उस बुढ़िया ने विजय कुमार का शुक्रिया अदा किया और उसे एक पौधा देते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तूने इस प्यासी को पानी पिलाया। मेरे पास देने के लिए तुझे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक पौधा है, इसे अपने आंगन में लगा देना, भगवान सबका भला करेगा। विजय कुमार ने बुढ़िया से वो पेड़ ले लिया और संभाल कर अपनी गठरी में रख दिया और पूरा दिन बर्तन बेचने के बाद शाम को जब घर पहुंचा, विजय कुमार ने गठरी से वो पौधा निकाला और अपने आंगन में कोने में लगा दिया और रात को सभी रूखा सूखा जो बना था वो खाकर सो गए। सुबह जब विजय कुमार उठा तो उसे लगा कि जैसे बारिश हो रही है। उसने आंगन में आकर देखा तो वो हैरान हो गया। जो पौधा उसने रात को लगाया था वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था और उसमें से पानी टपक रहा था। विजय कुमार ने जब वो पानी पीकर देखा तो वो हैरान हो गया, वो एकदम शुद्ध पीने का पानी था। अरे सुनती हो, बाहर आकर देखो, चमत्कार हो गया, ये पौधा तो जादुई पौधा निकला, ये तो पानी देने वाला पौधा है। और उस पौधे से निकला पानी उसके पूरे आंगन में फैल गया। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। विजय कुमार ने मन ही मन उस बुढ़िया का धन्यवाद किया और उसने गांव वालों के लिए जितना पानी चाहिए होता था उसके बाद जो पानी बचता था उसे बेचना शुरू कर दिया और जादुई पानी के पेड़ से विजय कुमार की काफ़ी अच्छी आमदनी होने लगी और साथ ही साथ लोहागढ़ के लोगों की प्यास भी बुझ गई थी और वहां की धरती में भी खेती लहलाने लगी। जादुई जेल रेस्टोरेंट। एक गांव में भोला नाम का एक रसोईया रहता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयां बनाया करता था। आसपास के सभी गांवों और शहर से लोग उसे अपने शादी ब्याह में खाना बनाने के लिए बुलाया करते थे। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। एक दिन जब भोला खाना बनाकर रात को अपने घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरों ने घेर लिया और उसे लूटने लगे, लेकिन भोला ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया तो उन लुटेरों ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। भोला की सेहत काफ़ी अच्छी थी, उन लुटेरों की भोला के आगे एक ना चली और भोला ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी, लेकिन तभी एक लुटेरे ने चाकू निकाल लिया और वो जैसे ही भोला को चाकू मारने लगा दूसरा लुटेरा उसके बीच आ गया और वो चाकू उस लुटेरे को लग गया जिससे उसकी मौत हो गई। ये देखकर सभी लुटेरे वहां से भाग खड़े हुए। भोला ने उसे बचाने के लिए जैसे ही चाकू बाहर निकालना चाहा तभी वहां पुलिस आ गई और उन्होंने भोला को खून के इल्जाम में पकड़ लिया। अगले दिन भोला को जब कोर्ट में पेश किया गया तो भोला ने अपनी बेगुनाही में कहा, जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो अपना बचाव कर रहा था और ये चाकू तो इसके लुटेरे साथियों ने ही इसे मारा था। लेकिन सभी सबूत भोला के खिलाफ जा रहे थे और जज ने उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे खुली जेल में रखने की सजा दे दी। भोला जब खुली जेल में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो सभी कैदी अपना अपना काम कर रहे थे और वहाँ सभी कैदी सुबह जेल से बाहर काम करने जाते और शाम को वापिस आ जाया करते थे। ये देखकर भोला ने जेलर से कहा, जेलर साहब, मैं बहुत अच्छी मिठाइयाँ और खाना बना लेता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जेल के बाहर अपनी छोटी सी दुकान खोल लूँ। हाँ हाँ भोला, ज़रूर। जेल प्रशासन की मदद से भोला जेल के बाहर एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना और मिठाइयाँ बेचने लगता है। जेल हाईवे पे होने के कारण उसका रेस्टोरेंट काफ़ी चलने लगता है और उसकी और जेल की काफ़ी अच्छी कमाई होने लगती है। ये देखकर जेलर उसकी मदद के लिए और कैदियों को भी उसके साथ काम पर लगा देते हैं और धीरे धीरे भोला का छोटा सा जेल रेस्टोरेंट एक बहुत बड़े होटल में तब्दील हो जाता है और जो भी वहां से निकलता है वो कुछ भी खाए बिना नहीं रुक सकता। सभी लोग भोला के जेल रेस्टोरेंट की काफ़ी तारीफ करते हैं। भाई वाह, यहां से निकलते हुए इस जादुई जेल रेस्टोरेंट का खाना खाए बिना जाने का मन नहीं करता।
और वो रेस्टोरेंट भोला और जेल के लिए काफी जादुई रेस्टोरेंट साबित होता है, जिससे उनकी काफी अच्छी कमाई होती है और जो कि भले कामों में लगाई जाती है।